हेलो दोस्तों, ट्रिकी आदित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइस टैपिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जो बोलेंगे आपका मोबाइल वो खुद मैसेज टैप कर देगा, आपको मैसेज टैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप हिंदी में बोलेंगे तो आपका मोबाइल खुद ही हिंदी में मैसेज टैप कर देगा, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में टैप कर देगा। तो दोस्तों, कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी फिलहाल चलिए, अभी आपको अपने WhatsApp के अंदर आना है और WhatsApp के अंदर के आने के बाद आपको किसी का एक चैट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मैसेज पर आना है और मैसेज पर आने के बाद आपको कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो आपको स्पेस बटन पर थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला कीबोर्ड। उसके बाद आपका कीबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। आप यहाँ से अपना फेवरेट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ओके पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा माइक का, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक का ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे बोल के दिखा देता हूँ, जो मैं बोलूँगा वही टाइप होगा। इंग्लिश में बोलूँगा इंग्लिश में टाइप होगा, हिंदी में बोलूँगा हिंदी में टाइप होगा। जैसे माइक पे बटन पे क्लिक किया, हाउ आर यू, तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इंग्लिश में बोला और टाइप हो गया। तो इस तरह से अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में भी टाइप होगा। तो चलिए अब हम आपको हिंदी में बोल के दिखाते हैं। तो इस माइक के बटन पे क्लिक करना है। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, देखा आपने जो मैंने बोला वो इधर टाइप हो गया और आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मैसेज को बोल के टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ गूगल इंडिक कीबोर्ड। इतना टाइप करने के बाद आपके सामने पहले नंबर पर यह एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो चलिए अब इसको सेटिंग करते हैं। तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो पहले आपको नेक्स्ट 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 कर देना है। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट करना है और यहाँ पे रेडी टू गो हो गया। तो दोस्तों, ये सेट हो चुका है। आप थीम वगैरह सेट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये यूज सिस्टम लैंग्वेज होगा, तो आप इसको ऑफ करके ये इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे हिंदी एंड इंग्लिश होगा, आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के बाद आप बैक आ जाइए। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर वॉइस टैपिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमसे पर्सनल चैट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई 100% करूँगा। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, गुड बाय, टाटा दोस्तों।